अल्लाह तुझे दुनिया जहान की खुशियां बख्शे। बेहद खुश कि तू वापस आ गए है। तुझे आप आराम कर। और आप लोग सब भी अपने अपने कमरों में जाइए और सो जाइए। कल अगर मुझे कोई भी ऊंघता हुआ दिखाई दिया तो कान खींचूंगी सबके। एक मिनट अम्मी, जाने से पहले अपनी अमानत ले जाइए। अमानत? इसमें क्या है? ये सारी ज्वेलरी, इसका मतलब ज्वेलरी फरहान की आंखों के सामने थी और वो इडियट समझ ही नहीं पाया। अगर फरहान को ये ज्वेलरी दिखाई दे जाती तो मैं कब की यहां से भाग चुकी होती। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। अरे मेरी वो, तूने तो कमाल कर दिया बेटा। फिरौती की रकम उस नालायक फरहान के एकदम सामने थी मगर तूने उसके हाथ नहीं लगने दी। आप लोग सब खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? मेरी नवासी ने काबिले तारीफ काम किया है, तालियां बजाइए। आज तो तालियां बजा रही हूं मगर दुआ, कल तुम्हारी और इस लड़की की ईंट से ईंट बजा दूंगी। अल्लाह तुम्हारी हिम्मत सलामत रखे। तुम बहुत ज़हीन हो और बहुत बहादुर। सलाम है तुम्हारे इस जज्बे को। अब ये सारे जेवरात हिफाजत से रख दिए जाएंगे। आप लोग सब जाइए अपने अपने कमरों में सोइए भाई। कल मन्नत और सुभान का निकाह है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलिए चलिए जाइए सब लोग अपने कमरे में। तुम चाहे कितनी भी चलाकी कर लो इबादत, तुम मुझे फरहान के साथ भागने से रोक नहीं पाओगी। और इसीलिए जल्द से जल्द मुझे ये ज्वेलरी चुरानी पड़ेगी।